दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्लायंस डोज में। आज हम आपको बताएंगे कैसे आप एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटली होल्ड कर सकते हैं, और आपसे कोई भी कॉप अगर आपको आपकी गाड़ी रोकता है और आपको फ़ाइन लगाने की कोशिश करता है कि अगर आपके पास DL नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, तो इससे बचने के लिए आप एक आप डिजी लॉकर नाम की एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करिए। ये मैंने अपनी ऐप में साइन अप करा हुआ है। आपको साइन अप करना पड़ेगा इस ऐप में फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें आधार नंबर चाहिए होता है साइन अप करने के लिए। आधार नंबर से आप जब साइन अप कर लेते हैं, आप यहां से कोई भी डॉक्यूमेंट आसानी से पा सकते हैं, और आपसे कोई भी कॉप इसके बदले में ओरिजिनल लाइसेंस की डिमांड नहीं करेगा। आप इसे दिखाने के बाद वहाँ से आप जा सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है, योर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस इज अवेलेबल इन डिजिटल लॉकर, गेट इट नाउ इफ़ नॉट ऑलरेडी डन। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये मेरा नाम है। यहाँ पर आपको अपना लाइसेंस नंबर डालना है। यहाँ आपको जो आपके लाइसेंस पे डॉटर ऑफ या सन ऑफ या वाइफ ऑफ लिखा होगा वो नाम डालना है। यहाँ आपको कंसेंट पे करना है, एंड आपको गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, ये इशूड में आ जाएगा। इशूड में ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये DL है, ठीक है। ये ऐसे ही आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप अगर कॉप को ये दिखाते हैं तो वो आपसे ओरिजिनल डिमांड नहीं कर सकता। इसके अलावा आप इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पा सकते हैं जो आपकी ज़रूरत फ्यूचर में पड़ेगी, आपको वो अपने साथ लेके नहीं घूमने। लाइक आप देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सर्च पे आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ आप इससे आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किस स्कूल्स किस बोर्ड से पढ़े हैं, अगर CBSE से पढ़े हैं तो यहाँ आप अपनी 10th 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, हर चीज़ पा सकते हैं आसानी से, जैसे कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी हैं सारी चीज़ें। और इसके अलावा आप अगर आप कोई भी ई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लाइक मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ जाकर अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डोमेन साइज सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ। इसमें आपको एक नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटली आप इसे होल्ड कर सकते हैं। नोबडी कैन आस्क फ्रॉम फिजिकल डॉक्यूमेंट, इट इज़ एज इक्विवेलेंट टू फिजिकल डॉक्यूमेंट। और यहाँ से आप DL डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है डिजिटल होने के लिए। डिजिटल इंडिया बनेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ से अपना पैन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अपना व्हीकल RC डाउनलोड कर सकते हैं गाड़ी की। तो आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, और इसे प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ये एक इंडिया में डिजिटल लहर आ जाए और आसानी से लोग अपना डिजिटल मैनेज कर सकें डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ मैंने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, आधार कार्ड, अपनी क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, माइग्रेशन पासिंग, DL, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड एट्सेट्रा। यहाँ आप अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड करा होगा, स्कूल में अभी कुछ अपलोड नहीं करा है। सर्टिफिकेट में देखिए BCom की डिग्री अपलोड कर दी है, अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड कर दिए हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स में आइए, यहाँ मेरी फ़ोटो, पैन कार्ड, सिग्नेचर सब मैंने अपलोड कर रखे हैं, जो कभी ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से उसे आसानी से पा सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग, इशूड डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ें आसानी से पा सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।